हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण इंग्लिश। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोनाउन का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। प्रोनाउन का ये दूसरा क्लास है जिसमें आज हम लोग जानेंगे इट के बारे में। क्लियर ना, इट के बारे में मतलब जो भी यूज होता है 100% इट का यूज हम लोग आज समझने वाले हैं। और साथ ही साथ आज हम लोग पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, मतलब दिस दैट दिस एंड दोज। कब प्रोनाउन का काम करता है, कब एडजेक्टिव का काम करता है, आखिर मेन यूज कहाँ है। 100% जो भी यूज है दिस दैट दिस एंड दोज का पूरे कंसेप्ट हम लोग आज की क्लास में सीखने वाले हैं। साथ ही साथ आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे आप लोग का इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन बोले तो समवन समबडी, नो वन नोबडी, एनीवन एनीबडी, एवरीवन एवरीबडी, है ना। उसके बाद समथिंग नथिंग एनीथिंग एवरीथिंग, ये सब के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड साथ ही साथ आज हम लोग बात करेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन, है ना, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जिसमें हम लोग बात करेंगे यानी WH वर्ड का प्रयोग कब एडजेक्टिव के रूप में करते हैं, कब प्रोनाउन के रूप में करते हैं, आखिर इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता क्या है। तो मोस्टली हम लोग पूरा आज की क्लास में ये सब बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आप लोग हेडिंग बनाइए इट। इट के बारे में जरा जानते हैं, क्लियर ना, क्योंकि बहुत सारे लोग को अभी भी कंफ्यूज। इंटरोगेटिव प्रोनाउन जिसमें हम लोग बात करेंगे यानी WH वर्ड का प्रयोग कब एडजेक्टिव के रूप में करते हैं, कब प्रोनाउन के रूप में कहते हैं, आखिर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता क्या है। तो मोस्टली हम लोग पूरा आज की क्लास में ये सब बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आप लोग हेडिंग बनाइए इट। इट के बारे में जरा जानते हैं, क्लियर ना, क्योंकि बहुत सारे लोग को अभी भी कंफ्यूजन है, क्योंकि बचपन में मास्टर साहब पढ़ा देते हैं बाबू इट का यूज निर्जीव के लिए किया जाता है। क्या क्या इट का यूज निर्जीव के लिए किया जाता है, गलत बात। ओके जी, आप लोग इट का यूज निर्जीव के लिए नहीं जैसे बता रहे हैं वैसे कीजिएगा। देखिए अगर हम बात करें दिस का, ओके जी, हम बात करें दिस का और बात करें इट का, तो ध्यान दीजिएगा ये दोनों का हिंदी होता है यह। दिस मतलब यह होता है और इट मतलब भी यह होता है, क्लियर ना। जरा आप ही बताइए कभी ऐसा बोले हैं जो यह एक टेबल है, इट इज अ टेबल, नहीं बोले हैं। क्या बोलते हैं, दिस इज अ टेबल, क्लियर ना, क्योंकि दिस जो होता है वो सब्जेक्ट का काम करता है और इट जो होता है वो प्रोनाउन का काम करता है, क्लियर ना। बताइए तो ये तो टेबल था, अगर हम बोले गाय के बारे में, यह एक गाय है और ये काली है, है ना, तो गाय है काली है, दो बात बता रहे हैं। तो यह एक गाय है तो दिस इज अ काउ, इट इज ब्लैक। क्या क्या, हाँ, दिस आया सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए, दिस आया सब्जेक्ट के रूप में और इट जो आया वो प्रोनाउन के रूप में आया। जैसे प्रिया सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए आती है, जैसे प्रिया इज अ गर्ल, शी इज ब्यूटीफुल, क्लियर ना, तो सी जो है प्रोनाउन हुआ, उसी तरह दिस तो सब्जेक्ट हुआ और इट आपका क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ, याद रहेगा, जो इट प्रोनाउन। तो आज के बाद कभी आप लोग गलती से भी ऐसा तो नहीं बोलेंगे जो इट निर्जीव के लिए नहीं, सजीव के लिए भी करेंगे, निर्जीव के लिए भी करेंगे, कंडीशन है प्रोनाउन के रूप में। ओके जी, चलिए तो इसका मतलब और एक बात याद रखिएगा, दिस होता है सिंगुलर और अपने साथ वर्ब भी लेता है सिंगुलर, और वही काम इट का भी है, ये भी होता है सिंगुलर और अपने साथ वर्ब भी लेता है सिंगुलर। ओके, तो चलिए जैसे देखिए एग्जांपल आप लोग के सामने बोल रहा है, दिस इज अ काउ इट इज ब्लैक, दिस इज अ काउ इट इज ब्लैक। बात तो किए हम लोग सजीव का, बात तो किए हम लोग एक्टिव का, लेकिन जब दूसरा बार यूज करना हुआ तो उसके लिए हम लोग इट का यूज कर लिए, प्रोनाउन का यूज कर लिए। ओके जी, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट जरा जानते हैं इट के बारे में। याद रखिएगा इट के बाद या तो इज आएगा या वाज आएगा, क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है इट होता है सिंगुलर अपने साथ वाज भी लेता है सिंगुलर। ओके जी, तो यहाँ पे क्या है, इट के बाद या तो इज या वाज, उसके बाद नाउन भी आ सकता है या प्रोनाउन भी आ सकता है, क्योंकि आप लोग को पता है किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन दोनों बन सकता है। ओके जी,
तो सब्जेक्ट के रूप में आप लोग का नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है, उसके बाद हू या दैट, हू या दैट। और अगर ये नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर होगा तो हैज लगाइएगा, अगर ये नाउन और प्रोनाउन प्लुरल होगा तो हैव लगाइएगा, और उसके बाद बी थ्री अगर बात हो प्रेजेंट का तो क्या क्या जी, अगर प्रेजेंट का बात हो तो आप लोग लगाइएगा हैज हैव प्लस बी थ्री, या फिर पास्ट का बात होगा तो हैड प्लस बी थ्री का यूज करेंगे। बोलिए इतना बात समझ में आया, सिंपल सा बात था। बोल रहा है इट के बाद भैया या इजी आवाज लगाना, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आ सकता है, हु या दैट से जुड़ के अगला जो क्लाउज होगा वो प्रेजेंट का होगा तो हैज या हैव लगाइएगा, अगर पास्ट का होगा तो हैड लगाइएगा। ओके जी, चलिए जैसे देखिए एग्जांपल, बोल रहा है इट इज यू हु हैव डन दिस वर्क, इट इज यू हु हैव डन दिस वर्क। अब यू है यहाँ पे, क्या बात किए, who that से पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा, तो who और that से पहले वाला सेंटेंस जो था, पहले वाला जो वर्ड है वो यू है, और यू होता है सेकेंड पर्सन, और ये ऑलवेज प्लूरल होता है और वर्ब भी अपने साथ प्लूरल लेता है। तो देखिए यू के लिए हम लोग हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे, हैव लगाएंगे। ओके जी, और हैव डन दिस क्राइम, राइट हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस बोल रहा है इट इज आई हु हैज कंप्लीटेड दिस वर्क। अब देखिए ये जो आई है अपना ना, ये आई पगला दिखने में छोटू लगता है, क्या क्या आई दिखने में छोटू लगता है, बट आई ऑलवेज 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 अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है, क्या लेता है जी, प्लूरल वर्ब लेता है। बस एक बार सिंगुलर वर्ब लिया था जिसका नाम वॉच था। ओके जी, तो आई वी आई जो है सिंगुलर, बट ऑलवेज 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 प्लुरल हो के जैसे काम करता है, और वह भी प्लुरल लेता है, बस एक बार सिंगुलर के जैसे काम करके वर्ब सिंगुलर लिया, वो भी पास्ट में वॉच के साथ, बाकी कभी सिंगुलर वर्ब नहीं लेता। ओके जी, तो बताइए हैज तो अपना है सिंगुलर है, आई के साथ तो नहीं आएगा, इसीलिए सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। हाँ अगर यहाँ पे हैव होता ना तो सही हो जाता। ओके जी, नेक्स्ट नेक्स्ट बोल रहा है इट इज आई हु हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, राइट हो गया ना, सही हो गया, क्योंकि आई जो है प्लुरल वर्ब लेता है, आई जो है अपने लिए प्लुरल वर्ब लेता है, प्लुरल वर्ब आया, सेंटेंस राइट हो गया। ओके चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट बोल रहा है इट प्लस इज या वाज प्लस टाइम, इट प्लस इज या वाज प्लस टाइम, उसके बाद आवर हो सकता है, डे हो सकता है, मंथ हो सकता है, ईयर हो सकता है, इंसिडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है ना, उसके बाद आपका नेचुरल इवेंट्स हो सकता है, डिजास्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अगर आपका इट के बाद इज या वाज प्लस टाइम हो तो। ओके जी, चलिए तो आज हम लोग थोड़ा सा इसके टाइम के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमें लगता है जो आप लोग को टाइम देखने आता होगा, क्या आप लोग को टाइम देखने आता होगा, अगर टाइम देखने आता है तो एक बात बताइए, हम आप लोग से पूछ रहे हैं कुछ हिंदी और आप उस टाइम को बता दीजिए इंग्लिश में, देखते हैं कितने लोग बता पा रहे हैं। चलिए हम बोल रहे हैं 5:10 हुआ है, 5:10 हुआ है, 5:10 हुआ है, इस बात को इंग्लिश में बताइए, 5:10 हुआ है। बोलिए देखिए समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये आपके सामने एक बढ़िया सा घड़ी है, वॉच है, हर एक वॉच में यहां पे बजता है 12, यहां पे 6, यहां 3 एंड 9। ओके जी, और ये छोटू 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 सा,
ओके, हम बताना चाह रहे हैं 5:10 हुआ है, 5:10 हुआ है, यही है ना, 5:10 हुआ है। याद रखिएगा एक बात, आज के बाद आपको कोई भी पूछे भैया घड़ी का टाइम बताइए क्या हुआ है, आप टेंशन वेंशन नहीं लीजिएगा, सीधे बोलिएगा क्या था वहां पे, इट था। अब हुआ है होगा तो आप लोग कहिएगा, हुआ है के लिए आप लोग क्या कहिएगा पता है, इज लगाइएगा, और हुआ था के लिए आप क्या कीजिएगा, वज लगाइएगा। ओके जी, हुआ है के लिए इज और हुआ था के लिए वाज। ओके, क्लियर है। अब जब भी बजने का बात हो तो पहले लिखिएगा इट, क्या क्या, सबसे पहले लिखिएगा इट, और हुआ है तो इज, इट इज। अब कितना, जब भी कोई भी सेंटेंस कोई भी टाइम से आगे का बात हो, और आगे का बात हो ना, आगे का बात हो तो आप लोग पास्ट का यूज कीजिएगा, इतना मिनट आगे हो गया, 5 मिनट आगे हो गया तो कहिएगा इट इज 5:05, है ना। अगर 10 मिनट आगे हुआ है तो इट इज 10:05, अगर 20 मिनट आगे हुआ है तो इट इज 20:05। ओके जी, ऐसे करके हम लोग यूज करेंगे, इट इज 20:05। अगर यहां पे आया समझ में, चलिए अगर यहां पे आपका टाइम ओके, तो इट इज यहां पे क्या है, 10, इट इज 10 past, किससे आगे हो गया है, इट इज 10:05। ओके, यही है। और अगर टाइम बाकी हो, जैसे 5:10 बाकी है, तो क्या करेंगे पता है, जब बाकी का बात करे तो आप लगाइएगा टू, टू मतलब बाकी है पहुंचना, कहीं भी पहुंचने के लिए हम लोग टू का यूज करते हैं। जैसे मार्केट पहुंचता है तो बोलते हैं टू मार्केट, दिल्ली जाना है तो टू दिल्ली, अमेरिका जाना है तो टू अमेरिका, वैसे ही अगर 12 के पास जाना है तो टू का यूज करते हैं, मतलब टू मतलब जाना बाकी है, पास्ट मतलब पास हो चुके हैं। ओके जी, तो यहाँ पे 5:10 हुआ है तो क्या बोले, इट इज 10:05, बट यहीं पे रहता 5:10 बाकी है तो क्या करते पता है, 5:10 बाकी है तो हम लोग क्या करते, इट इज 10:05, क्या करते हैं, इट इज 10:05, मतलब क्या, 5:10 बाकी है। ओके जी, चलिए तो अब आप लोग को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, जो किसी भी टाइम को अगर बताना है तो बाकी के लिए हम लोग टू का यूज करेंगे, और हो चुका है के लिए हम लोग पास्ट का यूज करें। ओके, तो जरा आप कमेंट में बताइए, 10:10 हुआ है, जल्दी बताइए, और हम आगे कुछ सेंटेंस दे रहे हैं आप लोग को, जो थोड़ा नोट कर लीजिए आप लोग। बोल रहा है यदि टाइम 5 के मल्टीपल हो, है ना, यदि टाइम 5 के मल्टीपल हो तो मिनट शब्द का यूज नहीं करेंगे, क्या क्या जी, यदि टाइम 5 के मल्टीपल है तो मिनट शब्द का यूज नहीं करेंगे, जैसे 5:05 हुआ है तो नहीं करेंगे, 5:10 हुआ है नहीं करेंगे, या फिर 7:10 हुआ है तो नहीं करेंगे, 7:15 हुआ है तो नहीं करेंगे, 7:20 हुआ है नहीं करेंगे, 7:25 हुआ है नहीं करेंगे, मतलब 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ऐसा कुछ 5 के मल्टीपल हो तो मिनट वर्ड का यूज नहीं करें, क्लियर ना। तो जैसे देखे यहां पे, और दूसरा कंसेप्ट बोल रहा है यदि टाइम 5 के मल्टीपल ना हो
तो मिनट वर्ड का यूज करेंगे। जैसे 5:07 हुआ है, मिनट जो आया 5 का मल्टीपल है नहीं है, अगर यहीं पर रहता 7:07 हुआ है फिर भी मिनट वर्ड का यूज करते, क्योंकि मिनट 5 के मल्टीपल नहीं है, है ना। अगर यहाँ पे रहता 5:12 हुआ है तो भी मिनट वर्ड का यूज करते, 5:17 हुआ है फिर भी मिनट वर्ड का यूज करते, क्लियर ना। वहीं पे 5:15 हुआ है तो मिनट वर्ड का यूज नहीं करते। बात समझ में आया? चलिए तो यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल है, कंसेप्ट आप लोग थोड़ा समझ जाइए, विजन क्लियर हो जाएगा। बोल रहा है इट इज 5:05, मतलब क्या 5:05 हुआ है। नेक्स्ट बोल रहा है इट इज 5:05, मतलब क्या 5:05 बाकी है। नेक्स्ट क्या है इट इज 7:05, मतलब 5:07 हुआ है। ओके नेक्स्ट इट इज 3:30, मतलब 3 से आधा पास हो चुका है। एक बात और याद रखिएगा, देखिए जब हम लोग हाफ का बात करें, क्योंकि ये पूरा का पूरा तो होता है 60 मिनट का, कितना जी 60 मिनट का होता है ये टोटल, मिनट्स को हम लोग लिख सकते हैं आवर, क्या लिख सकते हैं आवर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 आवर भी, आवर भी लिख सकते हैं या फिर 1 आवर भी लिख सकते हैं, ओके ना। तो 60 मिनट को आवर या 1 आवर भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग अगर हाफ से डिवाइड कर दे, 60 को 2 से डिवाइड कर दे तो आपका हो जाएगा 30 मिनट्स, या फिर हाफ बोल सकते हैं ना, या फिर हाफ आवर, कुछ भी लिख सकते हैं। ओके जी, कभी कभी क्या होता है आपका ये 60 को हम लोग 4 से डिवाइड कर देते हैं और ये हो जाता है 15 मिनट्स। अब इसको हम लोग क्वार्टर भी लिख सकते हैं, 1/4 पार्ट को हम लोग क्या लिखते हैं क्वार्टर लिखते हैं, क्लियर ना। तो 1/4 हो, 15 मिनट का बात हो तो हम लोग 15 मिनट भी लिख सकते हैं, क्वार्टर भी लिख सकते हैं। क्वार्टर लिखना ज़्यादा बढ़िया होगा, 30 मिनट से बढ़िया होगा हाफ लिखना या हाफ आवर लिखना। ओके जी, तो चलिए जैसे अभी एक सेंटेंस आप लोग के सामने था, बोल रहा था इट इज 3:30, मतलब 3 से आधा पास हो चुका है, मतलब 3:30 ओके नेक्स्ट इट इज 3:45, क्वार्टर 2/4, अब क्वार्टर बाकी है, 2 मतलब बाकी है, पास्ट मतलब हो चुका है, तो 4:00 क्वार्टर बाकी है, मतलब 15 मिनट बाकी है। तो इसका हिंदी क्या हुआ, 4:00 बाकी है या 4:15 है। ओके जी, तो आज के बाद अगर कोई पूछेगा बताइए कितना टाइम हो रहा है, और अगर उस समय 4:15 है तो क्या बोलेगा इट इज 3:45। ओके जी, नेक्स्ट नेक्स्ट बोल रहा है इट इज 11:05, इट इज 11:05, 5:11 हुआ है, 5:11 हुआ है, मतलब 11 मिनट पास हो चुका है 5 से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोल रहा है इट इज 4:55, है ना, 5:00 है, अबाउट मतलब वाला है, वाली है होता है, तो इट इज 4:55, 5:00 है। नेक्स्ट इट इज 5:00, 5 के आसपास है, है ना, लगभग 5 के आसपास है, लगभग 5 बजे होंगे, तो 5। नेक्स्ट इट वॉज द ईयर ऑफ 1990, इट वॉज द ईयर ऑफ 1990, 1990 का साल था, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इट वॉज 1990, दोनों सही, ये भी सही
ये भी सही, ज्यादा बढ़िया ये, अब आप पे डिपेंड करता है कौन सा यूज करना चाहते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, बारिश हो रही थी। एंड नेक्स्ट है इट वॉज द डार्क नाइट, इट वॉज द डार्क नाइट, अंधेरी रात थी। नेक्स्ट बोल रहा है इट वॉज द विंटर सीजन, ठंडी का मौसम था। तो ये था आप लोग को इट से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट। उम्मीद है अब आप लोग को घड़ी देखने में कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकता। चलिए हेडिंग बनाइए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। बोल रहा है दिस दैट दिज एंड दोज, क्या क्या, दिस दैट दिज एंड दोज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस दैट दिज एंड दोज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस दैट दिज एंड दोज को हम लोग क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। ओके जी, चलिए तो कुछ एग्जाम्पल भी है आप लोग के सामने, देखिए ना। बोल रहा है दिस इज अ डॉल, दिस इज अ डॉल, है ना। देखिए सबसे पहले हम लोग एक बात कर लेते हैं दिस के बारे में, दैट के बारे में, दिज के बारे में और दोज के बारे में। देखिए दिस दैट दिज एंड दोज, ये सब के बाद नाउन अगर आए तो आप इस दिस दैट दिज एंड दोज को बोलिएगा एडजेक्टिव, क्या बोलिएगा, एडजेक्टिव बोलिएगा। बट अगर दिस दैट दिज एंड दोज के बाद अदर वर्ड आ जाए, नाउन को छोड़ के कुछ और आ जाए, तो ये दिस दैट दिज एंड दोज आपका प्रोनाउन कहलाएगा। क्या समझ में आया, जो दिस दैट दिज एंड दोज के बाद नाउन है तो वो दिस दैट दिज एंड दोज एडजेक्टिव कहलाएगा, और दिस दैट दिज एंड दोज के बाद यदि अदर वर्ड है तो वो दिस दैट दिज एंड दोज आपका क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। सिंपल सा बात है, एक कंसेप्ट और याद रखिएगा दिस दैट दिज एंड दोज के बारे में। देखिए अगर हम बात करें पर्सनली दिस का, तो दिस का मतलब होता है यह, दैट का मतलब होता है वह, दिज का मतलब होता है ये या ये सब, और दोज का मतलब होता है वे या वे सब। क्लियर ना, याद रखिएगा दिस और दैट, क्लियर ना, दिस और दैट सिंगुलर होता है और अपने साथ वह सिंगुलर लेता है। वहीं पे बात करें दिज एंड दोज का तो वो प्लूरल होता है और अपने साथ वह भी प्लूरल लेता है। ओके, अगर यहीं पे हम बात करें दिस और दिज का तो ये नियर को रिप्रेजेंट करता है, और बात करें दैट एंड दोज का तो ये फार यानी दूर को रिप्रेजेंट करता है। कितना सिंपल सा बात है, जो दिस और दैट सिंगुलर होता है वर्ब भी सिंगुलर लेता है, दिज और दोज प्लूरल होता है वर्ब भी प्लूरल लेता है। बट दिस और दिज जो है नज़दीक के लिए यूज किया जाता है, जबकि दैट और दोज जो है दूर के लिए यूज किया जाता है। ओके जी, चलिए तो हम लोग जरा एग्जाम्पल देखते हैं क्या सब है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है दिस इज अ डॉल, दिस इज अ डॉल, बोलिए ये दिस आपका सिंगुलर है वर्ब भी सिंगुलर लिया, ये बात तो सही है। जरा बताइए सेंटेंस भी सही हो गया जिस कारण,
जरा ये बताइए, ये दिस आपका प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है? दिस आपका प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है? तो अभी जस्ट आप लोग को कंसेप्ट दिए थे, जो देखिए दिस के बाद यदि अदर वर्ड आ जाए तो वो दिस आपका प्रोनाउन होगा, और यदि दिस के बाद कोई नाउन आ जाए तो वो दिस एडजेक्टिव होगा। ओके जी, तो ये दिस आपका क्या हुआ? प्रोनाउन। फिर बोल रहा है दैट इज मिल्क, राइट? तो सेंटेंस ये भी है, क्योंकि दैट का यूज हम लोग अभी पढ़े हैं ना। क्या पढ़े? जो दैट का यूज सिंगुलर के रूप में करते हैं, वर्ब सिंगुलर लेता है, तो दैट का भी, तो दैट तो हम लोग क्या कर दिए, सिंगुलर वर्ब सही है। अब बताइए जरा, जो दैट प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है? तो प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि दैट के बाद, क्योंकि दैट के बाद आप लोग का वर्ब क्या आया? सिंगुलर आया। ओके, नेक्स्ट है दैट इज अ ब्यूटीफुल मोबाइल। क्या है जी? दैट इज अ ब्यूटीफुल मोबाइल। अब यहाँ पे क्या ध्यान देना है, जो दैट के साथ सिंगुलर वर्ब आया, आना चाहिए, सही है ना? ब्यूटीफुल मोबाइल अच्छा वाला मोबाइल है, वो भी बात सही है। ये बताइए, ये दैट सेंटेंस तो सही है, बट ये दैट आपका प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है? बोलिए। तो अभी जस्ट कंसेप्ट दिए थे आप लोग को, जो दैट के बाद यदि नाउन होगा, दिस दिज दैट और दोज के बाद यदि नाउन होगा तो वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए आप लोग का दैट के बाद इज आया, कोई नाउन नहीं ना आया, तो ये क्या हुआ? दैट आपका प्रोनाउन हो गया। ओके जी, चलिए नेक्स्ट आप लोग का है दिस डॉल इज कॉस्टली। ये जो गुड़िया है वो क्या है? महंगा है। तो दिस डॉल इज कॉस्टली, तो दिस डॉल सिंगुलर होता है, वर्ब सिंगुलर आया, अच्छी बात है। बट ये बताइए, ये दिस प्रोनाउन है या एडजेक्टिव? एडजेक्टिव है, क्लियर ना? क्योंकि दिस के जस्ट बाद अपना क्या आ गया? नाउन आ गया। और जब दिस दैट दिस एंड दोज के बाद नाउन आता है तो वो दिस दैट दिस एंड दोज अपना एडजेक्टिव कहलाता है। ओके ना, नेक्स्ट बोल रहा है दिस गर्ल, गर्ल है जी, दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल। दिस गर्ल, अब दिस गर्ल इज, तो दिस के साथ इज आना अच्छी बात है, सेंटेंस तो राइट है, बट ये बताइए ये दिस एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है? तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके ना, नेक्स्ट दिस बॉय विल बी एन IAS। ये लड़का, ये लड़का क्या बनेगा? IAS बनेगा। तो दिस बॉय के साथ विल आ गया, विल के साथ बी आ गया, क्योंकि आप लोग को पता है ना आफ्टर मॉडल वी वन इज यूज, और बी जो होता है अपना वी वन होता है। ओके जी, तो क्या हो जाएगा? सेंटेंस तो राइट हो जाएगा, बट अगर हम बात करें ये दिस का, तो ये दिस आप लोग का एडजेक्टिव है। नेक्स्ट दिज आर गर्ल्स, अब दिज पुलल के लिए आता है, नियर के लिए आता है, पुलल वर्ब लेता है, सही है, सही है, सही है, बट ये दिज आपका प्रोनाउन है। ओके, क्यों? क्योंकि दिज के बाद आपका नाउन नहीं, कुछ और है। नेक्स्ट है दोज आर टीचर्स, तो दोज के बाद आर आ गया, टीचर्स। ओके जी, तो हम लोग क्या करेंगे, ये भी सेंटेंस राइट होगा, क्योंकि दोज और दिज पुलल होता है, भर भी पुलल लेता है, क्लियर ना? नेक्स्ट दिज गर्ल्स आर नॉटी, तो यहाँ पे देखिए दिज के बाद आप लोग को गर्ल्स आ गया, और गर्ल्स नाउन होता है, और जब दिज के बाद गर्ल्स आ जाए तो ये दिज आपका एडजेक्टिव होगा, और उसके साथ भर आया पुलल, सेंटेंस तो राइट है। नेक्स्ट दोज बॉयज वर नॉट थिप्स, वो सब लड़के चोर नहीं थे, है ना? तो यहाँ पे दोज के साथ वर आना, पुलल वर्ब आना, अच्छी बात है, सेंटेंस राइट है, बट अगर हम बात करें ओनली दोज का, तो ये दोज आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव होने का वजह है बगल में नाउन। ओके जी, चलिए अब हेडिंग बनाइए इनडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में। इनडेफिनिट सिंपल सा होता है, देखिए क्या बोल रहा है, Someone, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, everyone, everybody are called indefinite pronoun. क्या क्या? जी हाँ, Someone, somebody,
एवरीवन एवरीबॉडी नो वन नोबडी एनीवन एनीबॉडी आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्लियर ना, ये सब आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। ओके जी, चलिए अगर इसका बात करें तो याद रखिएगा, दीज वर्ड्स आर यूज एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। क्या? Someone, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, everyone, everybody, always, 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 always singular के जैसे काम करते हैं और अपने साथ verb भी singular लेते हैं। याद रहेगा ना, बिल्कुल सिंपल बात है। जो कहीं भी आज के बाद दुनिया के किसी भी सेंटेंस में अगर आपको दिख जाए someone, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, everyone, everybody, आँख बंद करके singular verb लगा दीजिएगा। और singular verb होता कौन सा है? जिसमें लगा हो s। क्लियर ना, तो एस वाला वर्ब सिंगुलर होता है। ओके जी, अगर बात करें तो याद रखिएगा, दीज आर यूज फॉर पर्सन, समवन समबडी नो वन नो बडी एनी वन एनी बडी एवरी वन एवरी बडी का यूज हम लोग व्यक्ति के लिए करते हैं, पर्सन के लिए करते हैं। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट है समथिंग नथिंग एनीथिंग एवरीथिंग। क्या क्या? समथिंग नथिंग एनीथिंग एवरीथिंग आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। देखिए ये क्या है, समथिंग है, थिंग मतलब वस्तु होता है, नथिंग है, एनीथिंग है ना, एवरीथिंग है, आर कॉल इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये सब का यूज इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में करते हैं। जैसे इसका बात करें यूज का, तो दीज वर्ड्स आर यूज एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब ये भी लेता है क्योंकि ये भी काम सिंगुलर के जैसे करता है, बट एक कंडीशन है जो इसका यूज हम लोग करते हैं वस्तु के लिए, उसका यूज करते थे व्यक्ति के लिए, और इसका यूज करते हैं वस्तु के लिए। ओके जी, वो याद रखिएगा, क्या जो सम और ऑल जो होता है वर्ड, उस सम और ऑल का प्रयोग हम लोग पॉजिटिव में करते हैं। कहाँ? अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो तो हम लोग वहाँ पे सम और ऑल का यूज करेंगे, जबकि अगर सेंटेंस निगेटिव हो तो एनी का यूज करेंगे। ओके, तो आज के बाद दुनिया के किसी सेंटेंस में अगर एनी लगा हुआ है तो वो सेंटेंस निगेटिव होना चाहिए, अगर सम या ऑल लगा हुआ है तो वो सेंटेंस पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, जैसे देखिए ना एक कंसेप्ट, और फिर बहुत सारा एग्जांपल है नीचे, बहुत सारा, पहले कंसेप्ट जान लीजिए थोड़ा और। ऑल, सम, एनी, फ्यू, वन, मोस्ट, एटीसी आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या क्या? ऑल को भी इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं, सम को भी इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं, एनी को भी इंडेफिनिट बोलते हैं, फ्यू को भी इंडेफिनिट बोलते हैं, वन को, मोस्ट को, सब को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। बस एक कंडीशन है इसका, जो दीज आर यूज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सेंटेंस। इन सारे शब्दों का प्रयोग सेंटेंस के नेचर के अकॉर्डिंग किया जाता है। ऑल, सम, क्योंकि देखिए ना ये जो आपका जो नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, वो काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस के नेचर के अकॉर्डिंग इन सारे शब्दों का यूज करते हैं। नेक्स्ट ये है, जो ऑल सम का प्रयोग अनकाउंटेबल के रूप में यदि करेंगे, क्या क्या? ऑल और सम का यूज यदि अनकाउंटेबल के रूप में करेंगे तो ये होगा सिंगुलर और वह भी लेगा सिंगुलर, बट काउंटेबल के रूप में करेंगे तो ये होगा प्लुरल और वह भी लेगा प्लुरल। ओके, कितना सिंपल सा बात है, जो ऑल और सम का प्रयोग अनकाउंटेबल में करेंगे तो सिंगुलर होगा, बट यदि काउंटेबल में करेंगे तो वो प्लुरल होगा। ओके जी, जैसे आगे हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल का, तो एग्जाम्पल बोल रहा है someone is waiting for you, someone is waiting for you, बताइए सेंटेंस सही है या गलत है? Someone is waiting for you, क्या है? सही है ना, क्योंकि आप लोग को पता है someone का यूज हम लोग सिंगुलर के रूप में करते हैं, इसके साथ वर्ब सिंगुलर आया, सही है कि नहीं ना। नेक्स्ट बोल रहा है someone are waiting for you, ये तो सही था बट ये गलत हो गया। गलत होने का वजह क्या है? प्लुरल वर्ब आ गया, बट हम लोग को क्या पता है, जो someone, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, everyone, everybody, something, nothing, anything, everything, always, 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 सिंगुलर के जैसे यूज होता है वह भी लेता है सिंगुलर। यहाँ पे प्लुरल वर्ब आ गया, हम लोग बर्दाश्त कर नहीं पाए।
ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है Somebody have stolen my purse। बोलिए इसको सेंटेंस को सही कर दिए कितने लोग। Somebody have stolen my purse। गलत है, यहाँ पे हैज होता तो सही होता, हैव हो गया गलत है, क्योंकि आप लोग को पता है जो एस वाला वर्ब सिंगुलर होता है, में एस कहीं है ये नहीं है, कट गया है ना। नेक्स्ट है नथिंग आर इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, कुछ भी असंभव नहीं है इस दुनिया में। बोलिए इसको कितने लोग सही कर दिए, गलत कर दिए, गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नथिंग के बाद प्लुरल वर्ब बर्दाश्त कर नहीं सकते। एवरीथिंग हैज इट्स ऑन इम्पोर्टेंस, हर एक वस्तु का एक अपना अलग महत्व होता है। बोले राइट रॉन्ग, राइट है के लिए ना, इसलिए वो सारा कंसेप्ट एक बार दे दिए थे है ना, क्योंकि यहाँ पे सार बस देखना है, होता बहुत सिंपल है, बस विजन क्लियर हो जाए तो रास्ता साफ और मंजिल पास नजर आता है। देखिए यहाँ पे एक सिंपल सा, आप लोग अगर थ्री इडियट्स देखे होंगे मूवी, तो वहाँ पे था है ना, कौन सा थी, ऑल इज वेल ना था, ये बोला था नहीं, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल बोल रहा था नहीं। तो यहाँ पे बोल रहा है सम इज गुड, सम इज गुड, बोलिए राइट है या रॉन्ग है, राइट है ना। बोला है सम आर गुड, क्या है राइट या रॉन्ग, राइट है हाँ, क्योंकि एक बात बताए थे, इस नोट को बढ़िया से पढ़िए। बोल रहा है ऑल और सम का प्रयोग, किसका किसका बोले, ऑल और सम का प्रयोग, अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों रूप में करेंगे। ऑल और सम का प्रयोग अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों रूप में करेंगे, बट याद रहे अनकाउंटेबल होगा सिंगुलर के लिए, काउंटेबल होगा तो प्लुरल होगा, लेकिन लेकिन सिंगुलर होगा तो वह वस्तु को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि प्लुरल होगा तो व्यक्ति को रिप्रेजेंट करेगा। इसीलिए तो यहाँ पे हुआ था सम इज गुड, कुछ वस्तु ठीक है ना, कुछ ठीक है। सम आर गुड, कुछ लोग ठीक है या कुछ लोग अच्छे हैं, है ना। ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक ठाक। ऑल आर वेल, सब लोग ठीक ठाक। हुआ राइट सब, ओके। चलिए नेक्स्ट 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 देखिए, नेक्स्ट बोल रहा है आई हैव सम मनी इन द बैंक, आई हैव सम मनी इन द बैंक। एक बोल रहा है आई डोंट हैव सम मनी इन द बैंक। सम का यूज करेंगे हम लोग कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, और एनी का यूज करेंगे निगेटिव के लिए। जैसे मेरे पास, मेरे अकाउंट में कुछ पैसा है, तो सम, मेरे अकाउंट में कुछ पैसा, कुछ भी पैसा नहीं है तो एनी, एनी रहता तो सही होता, बट सम लगा हुआ गलत। अब देखिए नीचे है डोंट आई हैव एनी मनी इन द बैंक, है ना, डोंट आई हैव एनी मनी इन द बैंक। ये सेंटेंस सही हो गया, क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में भी निगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, यहाँ पे क्या कर दिए, एनी लगा हुआ है, सेंटेंस आपका सही, ओके। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एनी भी आ सकता है और सम भी आ सकता है, लेकिन पॉजिटिव में सम आएगा और निगेटिव में एनी आएगा, ओके। तो बस ये वाला बात को इग्नोर भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, बस याद अगर रखना है तो एनी का यूज निगेटिव में, सम का यूज पॉजिटिव में, क्लियर ना। हम लोग इतना तक ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंट्रोगेटिव से पूरे प्रोनाउन को समाप्त करेंगे, क्योंकि आज तो था दूसरा पार्ट, चार पार्ट में हम लोग कोई भी चैप्टर को समाप्त करते हैं, तो ये दूसरा था, दो पार्ट प्रोनाउन का और आएगा, क्लियर। तो उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, अपना जितना दोस्तों सारे दोस्तों को शेयर कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।